अपन हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय शर्मा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण भगवान जी के जन्म पे हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी जन्माष्टमी। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मुंबई में दहेंडी कैसे बनाई जाती है। तो अभी जस्ट हम नीचे उतरे हैं, तो देखते हैं अभी दहेंडी का कैसा प्रोग्राम होता है यहाँ पे। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी हम पहुंच गए एक मंडल के यहाँ पे दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेज लगाया हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सारी टीम्स भी हैं जो दहेंडी के लिए आई हुई हैं। और ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे दहेंडी की मटकी लटकाई गई है। यहाँ पे दो मटकियाँ हैं जो कि क्रेन से लटकाया है ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और टीम आई है। और ये सब टीम कोई ना कोई व्हीकल्स में ही आते हैं, जैसे पिकअप हो गया या फिर ट्रक हो गया, या ज़्यादातर 8-10 बाइक्स पे आते हैं क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स रहते हैं ना। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी नारा लगाया जा रहा है हनुमान जी का। और अभी टीम ऊपर चढ़ रही है सलामी देने के लिए। सलामी का मतलब होता है दोस्तों कि टीम अपना प्रदर्शन दिखा रही है कि हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कुछ लोग 6 लोग एक के ऊपर एक होके दिखाते हैं, कुछ लोग 7, कुछ लोग 8, ऐसे भी होता है। तो यहाँ पे अभी 6-7 की सलामी दी जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, साइड में जितने भी लोग खड़े हैं वो ऊपर हाथ करके रखा हुआ है सबने, ताकि अगर ऊपर से कोई भी गिरता है तो उनके लिए सपोर्ट होता है, ये उन्हें बचाया जाए और चढ़ने वालों को भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है। ये पूरा का पूरा एक बहुत ही अच्छा टीम वर्क होता है। बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से, वेरी नाइस, उत्तम प्रदर्शन। श्री मित्र मंडळांनी साताराचा मनोरा रचायची इथे बहुत बढ़िया इच्छा व्यक्त केलेली आहे व त्यांनी याचप्रमाणे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये ग्रुप ऊपर पहुंचने वाला है। यहाँ पे अभी एक और लड़का है जो ऊपर जा रहा है। और ये देखिए, अभी खड़े होने के बाद में लास्ट वाला लड़का जो ऊपर का, वो भी खड़ा होकर इशारा कर रहा है, हाथ ऊपर कर रहा है। मतलब ये 6-7 की पूरी सलामी हो गई है। जोरदार टाळ्याचा गजरा स्वागत करायचा आहे श्री मित्र मंडळाचं। त्यांनी 6 ताराचा मनोरा असून इथे सलामी दिलेली आहे। मी शिवसेना व युवा सेनाच्या वतीने विनंती करतो की माननीय पवन गरत यांनी या मंडळाचं स्वागत पण करायचं आहे व त्यांना मानधन द्यायचं आहे। व दुसऱ्या मंडळाला विनंती करतो की त्यांनी आपली थर रचण्यासाठी तयारी करायची आहे, कारण आपण ट्रॅफिक थांबवलेलं आहे। दीपक शर्मा यांना विनंती करतोय, मी दुसऱ्या मंडळाचं नाव घेतो। जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे दूसरा ग्रुप है जो सलामी दे रहा है। ये ग्रुप भी 6-7 की सलामी दे रहा है। और यहाँ पे सब लोग आजू बाजू में सपोर्ट के लिए भी खड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छे से टीम वर्क किया जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे दहेंडी के टाइम पे जितने भी ग्रुप्स आते हैं सलामी देने के लिए, तो उन्हें अवार्ड्स मिलते हैं और शायद कुछ इनाम भी दिया जाता है उन्हें। तो पूरे दिन में अगर यहाँ पे समझो 10-20 अगर टीम आई तो 10-20 टीम को अवार्ड दिया जाएगा और उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। और लास्ट में रात में यहाँ पे दहेंडी फूटती है, वो टाइम पे जिस टीम ने तोड़ा उसे फर्स्ट और सेकंड प्राइज मिलता है। तो वो भी अभी हम रात तक देखेंगे कि कौन सी टीम जो है वो फर्स्ट और सेकंड आने वाली है। ये देखिए फ्रेंड्स, इनका भी अभी 6-7 की सलामी कंप्लीट हो गई। बजरंग बली की जय।
हा सुंदर देखावा, एक पथक आपला काम करत आहे आणि दुसरा पथक त्याला सपोर्ट करत आहे, इतका सुंदर देखावा तुम्हाला कुठेच दिस बघायला भेटणार नाही, तो तुम्ही इथे पाहू शकता त्या गोडदे नाक्यावर पवन करत यांच्या मार्फत। बरोबर आहे आनंद भाऊ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ग्रुप है जो कि यहाँ पे कला प्रदर्शन कर रहा है और बहुत ही बेहतर तरीके से किया जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे योद्धा लड़ते थे पहले, जिसे तलवारबाजी सिखाई जाती थी उन्हें, तो वैसे ही यहाँ पे तलवारबाजी के स्टंट किए जा रहे हैं शायद। और ये यहाँ पे ग्रुप के मेन गुरु हैं शायद। ये देखिए फ्रेंड्स, वाओ सुपर्ब। और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि तलवारबाजी की जाती थी पहले, तो वैसे ही स्टंट यहाँ पे किए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं जो कि, और बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं सब। और अभी टीचर ने किया था ग्रुप के, और अभी यहाँ पे सब स्टूडेंट्स करके दिखा रहे हैं, जो कि स्टंट बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी दूसरा स्टूडेंट है जो कि अपने टीचर के पैर छू के आशीर्वाद लेके स्टंट करने जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी तलवारबाजी का स्टंट है और अलग अलग टाइप के स्टंट्स करके दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। अभी एक गर्ल स्टूडेंट आई है दोस्तों, ये देखिए, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्टंट को और बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है। सुपर्ब, बहुत ही अच्छी तरीके से ये स्टूडेंट स्टंट को दिखा रही है दोस्तों। ये देखिए, एक हाथ से तलवारबाजी का भी प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पे। सो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक बच्चा आया है जो कि इन्हीं ग्रुप का स्टूडेंट है, वो भी अभी यहाँ पे शायद स्टंट दिखाएंगे। और आप देख सकते हो इवनिंग हो गया है और यहाँ पे लाइटनिंग चालू हो गई है डायंडी के पास में। ये देखिए मटकियाँ कितने अच्छे से सजाई गई है यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटा बच्चा है जो तलवारबाजी का स्टंट करके दिखा रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टंट कर रहे हैं ये भी।
शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शायद एक दूसरे टाइप का स्टंट दिखाया जा रहा है। वाओ, सुपर, बहुत ही अच्छा स्टंट करके दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और शायद यहाँ पे देखिए एक और अलग टाइप का स्टंट दिखाया जाएगा, जो कि टीचर्स और स्टूडेंट के टीम वर्क के साथ में है। वाओ, सुपर, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन स्टंट यहाँ पे करके दिखाया गया है यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स के साथ में। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं एक दूसरी धैंडी के पास में, जो कि यहाँ पे शायद तीन चार माले की धैंडी लगाई हुई है। यहाँ पे एक ही सिंगल मटकी है और यहाँ पे भी काफ़ी सारी टीम आई हुई है सलामी देने के लिए। ये देखिए कितने अच्छे से सजाया गया है मटकी को। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टीम सलामी की तैयारी कर रही है, और जैसे कि आप देख सकते हो सब एक के ऊपर एक जा रहे हैं टीम वर्क के साथ में। सुपर, ये देखिए यहाँ पे अभी जो समय छोटा होता है वो ऊपर होता है, ये देखिए। वाओ, सुपर, ये देखिए यहाँ पे इनकी सलामी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे टीम वर्क को दिखाया गया। दूसरी धैंडी देख ली दोस्तों, तो चलिए चलते हैं और आगे और देखते हैं और कहाँ पे धैंडी यहाँ पे लगाई गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है तीसरी धैंडी और यहाँ पे भी बहुत ही सुपर तरीके से स्टेज को सजाया गया है और लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ये देखिए यहाँ पे क्रेन से ही मटकी को लटकाया गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मटकी को सजाया गया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा अभी हमने तीन धैंडी देखी हैं, तो वो अभी थोड़े टाइम में फूटने वाली हैं और उनके ऊपर जो इनाम होता है वो भी लाखों का इनाम होता है। तो देखते हैं कौन सी टीम जीतने वाली है, देखेंगे, क्योंकि एक साथ में इतनी सारी धैंडी फूटते हुए हम देख नहीं सकते, लेकिन एक कोई भी हम ज़रूर देखने वाले हैं, तो वो भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं पहले धैंडी जो हमने देखी थी वहीं पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और टीम आई हुई है जो सलामी देने के लिए तैयार है, और जैसे कि आपने देखा अभी यहाँ पे नारे लगाए गए थे और यहाँ पे अभी तैयारी की गई है, और देखिए यहाँ पे अभी एक के ऊपर एक चढ़ के पूरा टीम प्रदर्शन किया जाएगा और सलामी दी जाएगी यहाँ पे भी। यहाँ पे दिन भर में बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं दोस्तों सलामी देने के लिए, और कुछ ग्रुप हैं जो सिलेक्ट होते हैं धैंडी को फोड़ने के लिए। Thank you.
ये देखिए दोस्तों, ये ग्रुप की सलामी अभी पूरी होने ही वाली है। सुपर्ब, ये देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रुप ने अपनी सलामी कंप्लीट की और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे भी टीम वर्क दिखाया गया। और जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो ऊपर ऊपर रहता है वो छोटी एज के बच्चे रहते हैं, ज़्यादा छोटे नहीं रहते बट छोटी एज के रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे रस्सी का सपोर्ट भी रहता है ताकि अगर कोई गिरे तो उन्हें रस्सी से पकड़ा जा सके। आज इस गुरुदेव ढाके का ये लाइव टेलीकास्ट है यूट्यूब पर, 135 देशों में डायरेक्ट लिंक से आप सभी को यहाँ से देखा जा रहा है। इस बात का गौरव महसूस होता है कि यहाँ से प्रदेश में बैठा हुआ इंसान यहाँ गुरुदेव नागे की दही हंडी का लुत्फ उठा रहा है। ये लाइव टेलीकास्ट है दोस्तों, तो आपसे विनती है कि सिस्टम और शिष्टता का प्रदर्शन जारी रहे, क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं और भी लोग हमें देख रहे हैं आज लाइव। तो मिसाल होनी चाहिए कि गुरुदेव नाके से आज इतना शानदार भव्य प्रदर्शन लाइव हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष युवती सेना आकांक्षा वीरकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, धन्यवाद। आपण आलात युवती सेना आकांक्षा वीरकर, बहुत ही शानदार तरीके से सिस्टमैटिक अनिल रस्सी वगैरह, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। गोपाल कृष्ण भगवान की, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टीम की भी सलामी पूरी हो गई और ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से टीम वर्क दिखाया गया यहाँ पे भी। और यहाँ पे शायद थोड़ा सा बैलेंस मिसमैच हो गया, और जैसे कि मैंने आपको बोला था जो ऊपर बच्चा रहता है उसे रस्सी से बांधा जाता है, तो आपने अभी देखा ही, तो काफ़ी अच्छी सेफ्टी है ये भी। और यहाँ पे ये टीम की अभी सलामी पूरी हो गई। अभी यहाँ पे थोड़ा डांस हो रहा है, जिसकी सलामी पूरी हो जाती है वो यहाँ पे डीजे पे डांस करता है। यहाँ पे मैंने आपको एक्चुअल सॉन्ग नहीं दिखाया दोस्तों, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं यूट्यूब पे। बाकी यहाँ पे देखिए, ये दूसरी टीम है जो एंजॉय कर रही है सलामी पूरी करके। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक डांस ग्रुप की टीम है जो यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। सब गोविंदा टीम का हौसला बढ़ाने के लिए और काफ़ी अच्छा डांस किया जा रहा है यहाँ पे। इस वीडियो से भी मैंने रियल जो
जो सॉन्ग है वो हटाया दोस्तों, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं यूट्यूब पे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो टीम है जो सिलेक्ट हुई है दयांडी फोड़ने के लिए। जो ऊपर दो मटकी है ये दोनों टीम फोड़ेंगी। अभी यहाँ पे कंपटीशन चालू है कि दोनों में से किनको फर्स्ट प्राइज मिलेगा और किनको सेकंड। तो जिन्होंने भी पहले 6-7 की सलामी दे दी वो टीम फर्स्ट प्राइज लेगी और दूसरी टीम जो है उसे सेकेंड प्राइज मिलेगा। तो देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। बाकी यहाँ पे अभी दो मटकी हैं ऊपर, दोनों मटकियाँ ये दोनों टीम ही फोड़ने वाली है। ये देखिए कंपटीशन चालू दोस्तों, और बहुत ही सुपर तरीके से टीम वर्क दिखाया जा रहा है यहाँ पे, और बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पे 6-7 की सलामी देने की कोशिश की जा रही है दोनों टीमों के द्वारा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ब्लैक टीम है उन्होंने पहले सलामी दे दी है। तो ये है फर्स्ट विनर, और यहाँ पे जो है उनकी भी दूसरी टीम है, उनकी भी 6-7 की सलामी कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा डिफरेंस रह गया दोस्तों। फ्रेंड्स, अभी मटकी फोड़ने की तैयारी चालू, और ये देखिए जो सेकंड टीम थी, जो सेकंड विनर टीम है, वो एक मटकी फोड़ने के लिए अभी ऊपर जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से किया जा रहा है अभी टीम वर्क। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मटकी के पास में पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी, हरे कृष्णा। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी एक मटकी को फोड़ दिया गया है दोस्तों। अभी जो फर्स्ट विनर टीम है वो दूसरी मटकी फोड़ने के लिए ऊपर जा रही है, और जैसे कि आप देख सकते हो सभी के सभी काफ़ी अच्छे तरीके से टीम वर्क कर रहे हैं, और साइड में सपोर्टर्स भी हैं। शर्मा, मंगेश, विपिन, रवि, मयूर, सुमित। ये देखिए यहाँ पे दो ही मटकी थी, एक मटकी तो जो सेकंड विनर टीम है उन्होंने फोड़ दिया, और एक मटकी जो बची है अभी ये जो फर्स्ट विनर टीम है ये फोड़ने वाले हैं। और ये देखिए दोस्तों, अभी मटकी के पास में पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फूट गई हमारी दूसरी मटकी। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को, हरे कृष्णा। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेकंड विनर टीम है उसे ट्रॉफी दिया जा रहा है और सेलिब्रेशन किया जा रहा है। ये देखिए, ये जो है येलो वाली सेकंड टीम थी, और ये देखिए ये जो है वो फर्स्ट प्राइज दिया जा रहा है जो फर्स्ट विनर टीम है उसको, जो कि ब्लैक वाली टीम थी, और इन्हें भी यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। और ये देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा डांस किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा दयांडी व्लॉग। कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप सभी को कृष्ण भगवान जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, काफ़ी सारी दयांडीज थी और उनमें से दो दयांडी हमने फूटते हुए भी देखा, तो काफ़ी अच्छे तरीके से मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। मुंबई क्या, ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, जो अभी आपने दयांडी का फंक्शन देखा वो हमारे दादा पवन गैराज जी ने आयोजित किया था, जो कि शिवसेना के युवा नेता हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रखा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।